जॉर्ज पंचम और श्री लोकमान्य तिलक, विपिन चंद्र पाल और व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये जो सारे नेता थे जिनको हमारे इतिहास में गरम दल का नेता माना जाता है, इन्होंने जॉर्ज पंचम का बहिष्कार किया। उन्होंने कहा हम जॉर्ज पंचम का बहिष्कार करते हैं, हम उसके स्वागत समारोह में नहीं जाएंगे। लेकिन कांग्रेस के अंदर नरम दल के कुछ नेता हुआ करते थे, उनमें से मैंने कुछ नाम आपको बताए, उन्होंने कहा कि हम जॉर्ज पंचम का जरूर स्वागत करेंगे। तो स्वागत समारोह हुआ कलकत्ता में और स्वागत समारोह में पहली बार जॉर्ज पंचम को स्वागत करते हुए एक गीत गाया गया जिसका नाम है जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। भारत भाग्य विधाता, इन शब्दों पे ध्यान दीजिए, भारत भाग्य विधाता माने भारत के भाग्य को निर्धारित करने वाला कौन? जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम को मंच पर बिठाया गया और ये गीत गाना शुरू किया और जिसने ये गीत गाया, दुर्भाग्य से उनका नाम वही श्री रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने ही ये गीत लिखा और उन्होंने ही ये गीत गाया। अब ये जो गीत है इसमें ज्यादा शब्द बांग्ला के हैं और कुछ संस्कृत के शब्द हैं। इस पर जरा ध्यान दें, जन गण मन, जन गण मन, गण संस्कृत का शब्द है, जन संस्कृत का शब्द है, मन संस्कृत और बांग्ला दोनों में है। तो इसका अर्थ है भारत की जनता की तरफ से, गण माने छोटे छोटे राजा और उनके प्रतिनिधि, हम सब भारत की जनता की तरफ से, छोटे छोटे राजाओं की तरफ से जनगणमन अधिनायक जय, अधिनायक माने सुपर हीरो माने जॉर्ज पंचम, आपकी जय करने के लिए यहाँ आए हैं। जनगणमन अधिनायक जय, भारत भाग्य विधाता, भारत के आप भाग्य विधाता है, आपको भारत का भाग्य तय करना है क्योंकि आपके हाथ में सब कुछ है। फिर पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग, ये भारत के अलग अलग हिस्से हैं जिनका नाम उन्होंने लिया। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्छल, जलधि, तरंग, तब शुभ नामे जागे, भारत के ये सभी हिस्सों की, रीजन की तरफ से हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, तब शुभ नामे जागे, आपका नाम पूरे विश्व में हो, तब शुभ आशीष मांगे, हम भगवान से आपके लिए दुआएं कर रहे हैं, आशीष मांग रहे हैं, गाए तब जय गाथा, हम आपकी जय जयकार करते ही रहेंगे, जनगण मंगल दायक जय भारत भाग्य विधाता। ये गीत गाया गया और ये गीत गाया गया 24 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में जॉर्ज पंचम का स्वागत समारोह करते हुए। अब समस्या क्या खड़ी हो गई कि जॉर्ज पंचम को ना संस्कृत समझती थी ना बांग्ला, ना उसको हिंदी आती थी, वो सुन तो लिया, उसने अपने पड़ोस में बैठे अंग्रेजों से पूछा ये क्या गाना गाया, तो अंग्रेजों ने उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करके उसको समझाया। जैसे ही उसको पता चला कि ये गाना जॉर्ज पंचम के सम्मान में गाया गया है और उसको भारत का भाग्य विधाता बताया गया है, वो इतना प्रसन्न हुआ, इतना खुश हुआ कि उसने रविंद्रनाथ टैगोर को बुलाया और उनके पीठ पर ऐसे थपथपाया, बहुत अच्छा आपने गीत लिखा है, और अंग्रेजी में उसने कहा कि मेरी इतनी प्रशंसा तो मेरे देश में कोई नहीं करता है। इससे भी ज्यादा उसने एक मजाक की बात कही जो हमारे लिए बहुत शर्मनाक है, उसने कहा कि मेरी बीवी ने मेरी आज तक इतनी प्रशंसा नहीं की है, आपने तो उससे भी ज्यादा की। रविंद्रनाथ टैगोर गदगद हो गए, रविंद्रनाथ टैगोर गदगद हो गए। तो ये जो पंचम था, जॉर्ज पंचम, इसने अपनी डायरी में उनका नाम पता सब कुछ नोट किया, फोन उस समय होता नहीं था, नाम पता नोट किया, और ये कलकत्ता से चलकर फिर दिल्ली गया, जॉर्ज पंचम, यही जॉर्ज पंचम। दिल्ली में इसने एक बहुत बड़ा दरबार बुलाया और उसमें छोटे छोटे राजा महाराजा सब लोग आए, लेकिन दिल्ली में जो क्रांतिकारी थे, गरम दल वाले, लाला लाजपत राय वाले, वो नहीं गए, उन्होंने वहां भी बहिष्कार किया। तो दिल्ली में उस समय जो गवर्नर की हैसियत से एक अधिकारी होता था, उसको जॉर्ज पंचम ने पूछा कि भारत में मुझे वो आर्मी देखनी है लोकमान्य तिलक की, मैंने सुना है 1,20,00,000 1,20,00,000 उसमें सोल्जर है, मुझे देखना है वो आर्मी कैसे काम करती है। तो दिल्ली का जो गवर्नर
कि ये आर्मी है बिना बंदूक वाली है, इनके पास कोई आर्म्स नहीं है, आर्मी विदाउट आर्म्स। उसने जो टाइटल बताया आर्मी विदाउट आर्म्स है ये, इनके पास कोई बंदूक नहीं है, इनके पास कोई तलवार नहीं है, इनके पास कोई तोप नहीं है, कोई मोर्टार नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन इनके पास जो दिल है, जो इनका हृदय है, वो इतना मजबूत है कि ये हमेशा भारत की आजादी और स्वराज्य की बात करते हैं। तो उसने पूछा कि इस आर्मी के कुछ नेताओं से मुझे मिलना है, तो गवर्नर ऑफ दिल्ली ने कहा कि इनका नेता तो लोकमान्य तिलक है और उन्होंने आपका बहिष्कार किया हुआ है, इसलिए वो तो आपको मिलने आने वाले नहीं है, आपको उनसे मिलने जाना हो तो मैं कोई व्यवस्था करूं। तो जॉर्ज पंचम कहने लगा कि भारत में ऐसा भी कोई आदमी है जिसको राजा बुलाए और वो राजा के पास ना जाए? उन्होंने कहा यहां तो एक नहीं ऐसे करोड़ों, आपको मैं मानते ही नहीं कि आप राजा। वो कहते हैं आप इंग्लैंड के राजा होंगे, भारत का राजा तो एक ही है, वो हमारा गणपति बप्पा। लोकमान्य तिलक ने सब कार्यकर्ताओं को समझा रखा था कि राजा अपना एक ही है, वो है गणपति बप्पा। इसी के सामने झुकना, इसी को वंदन करना, इसी से आशीष मांगना और इसी से दुआ मांगना, बाकी हमारा कोई राजा नहीं, हमारा राजा गणपति है। तो जब गवर्नर ने यह सुना दिया कि वो तो आएंगे नहीं, उन्होंने बहिष्कार किया, वैसे करोड़ों है, अब आप जाना चाहो तो मैं व्यवस्था करता हूं, पुणे जाना पड़ेगा आपको मिलने के लिए। तो पुणे के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिला कलेक्टर को टेलीग्राम किया गया, पुणे का जिला कलेक्टर परेशान हो गया, वो टेलीग्राम लेके श्री लोकमान्य तिलक के घर गया। श्री लोकमान्य तिलक पुणे में ही रहते थे, शनिवारवाड़ा में ही उनका घर है, आज भी वो घर सुरक्षित है, आप जाके देख सकते हैं। पुणे का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भागा भागा वो टेलीग्राम लेके श्री तिलक के पास गया और टेलीग्राम उनको दिखाया कि आपसे मिलने के लिए हमारा राजा जॉर्ज पंचम पुणे आना चाहता है, आप उनसे मिलेंगे? तो श्री लोकमान्य तिलक ने कहा मुझे राजा से मिलने की कोई गरज नहीं है, वो आपका राजा है, मेरा नहीं है, आप उसके नौकर हैं, आपको वो पगार देता, मुझे पगार नहीं देता, मुझे उससे मिलने की गरज नहीं है। तो कलेक्टर ने समझाया नहीं नहीं वो आपको मिलने यहां आना चाहते हैं पुणे में। तो तिलक ने कहा कि फिर ठीक है आप उनको यहां आने दो, मैं मेरे गांव चला जाता हूं रत्नागिरी। श्री लोकमान्य तिलक का जन्म स्थान रत्नागिरी में है, आप जानते हैं रत्नागिरी के पास एक छोटे से, तो मैंने कहा मैं मेरे गांव चला जाता हूं। तो फिर कलेक्टर ने पूछा मेरी तो नौकरी चली जाएगी, तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है तुम्हारी नौकरी जाए, तुम्हारे राजा की नौकरी जाए, तुम यहां सब हिंदुस्तान छोड़कर चले जाओ, हमारा स्वराज्य हमें मिल जाए, मैं तो यही चाहता। तो कलेक्टर ने वापस टेलीग्राम कर दिया कि श्री लोकमान्य तिलक आपको मिलने को बिल्कुल इच्छुक नहीं है, तैयार नहीं है, अब क्या करना? तो अंग्रेज पुलिस को कहा गया कि आप लोकमान्य तिलक को अरेस्ट करो और अरेस्ट करके उनको जॉर्ज पंचम की सेवा में लेके आओ। तो श्री लोकमान्य तिलक के पास जब पुलिस ऑफिसर पहुंचा अरेस्ट करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि मुझे अरेस्ट करने के लिए आप कानून बताओ, किस कानून से आप मुझे अरेस्ट कर सकते हैं? तो पुलिस ने कहा आप हमारे राजा को नहीं मिलना चाहते, तो उन्होंने कहा ये कोई अपराध नहीं है, ये कहीं भी किसी कानून की किताब में नहीं है। उस समय तक हमारे देश में जो कानून की किताब चलती थी उसका नाम था आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, 1860 से ये चल गई थी। तो उन्होंने कहा आईपीसी का कौन सा प्रोविजन है जिसका मैंने वायलेशन किया है और आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं? तो पुलिस ऑफिसर निरुत्तर हो गया, वो चुपचाप वापस गया और जॉर्ज पंचम को कह दिया गया कि ये व्यक्ति इतना पक्का है कि ये जो तय कर लेगा वही करेगा, ये आपसे मिलेगा नहीं। जॉर्ज पंचम बिना मिले वापस गया दिल्ली से, बिना मिले वापस गया। और भारत में उस समय कांग्रेस के अंदर यही एक तेजस्वी नेता थे श्री तिलक, जिन्होंने जॉर्ज पंचम से मिलने को मना कर। बाकी जो कांग्रेस के नेता थे, मैंने नाम लिया, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, योगेश चंद्र बनर्जी थे, उमेश चंद्र बनर्जी थे, एक गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये सब जॉर्ज पंचम को सलामी देके आए। तिलक नहीं गए, लाला लाजपत राय नहीं गए, विपिन चंद्र पाल नहीं गए, जॉर्ज पंचम को तिलक का नहीं मिलना इतना अंदर तक चोट पहुंचाया कि जब जॉर्ज पंचम वापस जा रहा था दिल्ली से, उस
उसने कहा अब तो मुझे वापस जाना है, तो दिल्ली से कलकत्ता, कलकत्ता से फिर पानी के जहाज से लंदन। तो जॉर्ज पंचम ने कहा कि ऐसा कोई व्यक्ति भारत में है जो मुझे मिलने से मना कर सकता है और किसी कानून के आधार पर हम उसे अरेस्ट भी अभी नहीं कर सकते, तो ऐसे व्यक्ति की मांग क्या है? तो अंग्रेज गवर्नर दिल्ली ने उनको कहा कि उसकी सबसे पहली मांग है कि 1905 में जो कर्जन ने डिवीजन ऑफ बंगाल एक्ट बनाया है, बंगाल को हिंदू मुसलमान के आधार पर तोड़ दिया है, ये कानून वापस लेना और बंगाल को फिर से एक करना। तो जॉर्ज पंचम ने गवर्नर को कहा कि ऐसे वीर बहादुर पराक्रमी व्यक्ति का थोड़ा तो सम्मान करो और ये बंगाल का बंटवारा रद्द करो। और भारत के इतिहास में ये पहली और आखिरी घटना है जब बंगाल को बंटवारा करके अंग्रेजों ने 6 साल के बाद वापस फिर से एक किया और ईस्ट और वेस्ट बंगाल फिर से एक हुआ। और लोकमान्य तिलक की इतनी जय जयकार पूरे देश में हुई। 1911 में जब बंगाल फिर से एक हो गया, डिवीजन ऑफ बंगाल एक्ट वापस हो गया, तो सारे देश में लोकमान्य तिलक के स्वागत समारोह आयोजित हुए और एक एक समारोह में 50,000 लोग आते। उस जमाने में ये माइक नहीं होता, बिना माइक के उनको व्याख्यान करना होता। आप जरा सोचिए 50,000 की भीड़, अइवत्त साविर नागरिक लोकमान्य तिलक को सुनने के लिए कहीं खड़े हैं, कैसे वो बोले जो आखिरी आदमी तक बात पहुंचे? तो वो संभव नहीं होता था। तो श्री तिलक चिल्ला चिल्ला कर बोलते और दुष्परिणाम क्या हुआ, 1911 से जब उनका यह स्वागत समारोह शुरू हुआ, 1915 तक यह चलता रहा। 4-5 साल चिल्ला चिल्ला कर बोलने के कारण उनके सारे फेफड़े गल गए, उनके लंग्स में इंफेक्शन आ गया, क्योंकि माइक तो होता नहीं था। गले में इंफेक्शन आया, लंग्स में इंफेक्शन आया, और वो इंफेक्शन इतना गंभीर था कि उसी में श्री लोकमान्य तिलक की मृत्यु हुई। 1915 से लेकर 1920 तक वो कहीं जा नहीं सके, बोल नहीं सके जाकर। थोड़े भी बोलते थे तो गले में दर्द होता, थोड़े भी बोलते थे तो लंग्स में पानी भर जाता, और उस समय ट्रीटमेंट भी नहीं था। प्लूरिसी नाम की एक बीमारी उनको हो गई, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं था। उसका एक ही ट्रीटमेंट था कि वो कोई ठंडे प्रदेश में जाकर थोड़े दिन आराम करे। लेकिन तिलक कहा करते थे कि अगर ये जीवन में आराम किया तो स्वराज्य कैसे आएगा? इसलिए उन्होंने अपने स्वास्थ्य को दुर्लक्ष किया, अपनी हेल्थ को कभी ध्यान नहीं दिया, और उसी चक्कर में उनकी पत्नी रात दिन परेशान रहती थी और उनकी मृत्यु हुई उनकी पत्नी की, इसी चिंता में कि तिलक कभी स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते। लगातार प्रवास करते थे, अब उस जमाने में प्रवास करने के लिए गाड़ी नहीं थी तो साइकिल से प्रवास करते, कभी साइकिल नहीं होती थी तो बैलगाड़ी में बैठ के प्रवास करते, कभी कभी बैलगाड़ी नहीं तो घोड़े पर बैठकर प्रवास करते, घोड़ा भी नहीं मिला तो वो जो ऊंट होता है कैमल उस पर बैठकर प्रवास करते थे, और कुछ नहीं मिला तो पैदल पैदल प्रवास करते। तो प्रवास बहुत किया, व्याख्यान बहुत दिए, स्वागत समारोह जगह जगह होते थे, उसमें फंड इकट्ठा होता था और वो फंड इतना हो गया कि वो कोटि कोटि रुपए। बाद में उसी फंड को नाम दिया गया तिलक स्वराज्य फंड। इतिहास की पुस्तकें जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एक जगह चैप्टर है तिलक स्वराज्य फंड। ये लोकमान्य तिलक को स्वागत समारोहों में जो दान मिलता था वो सारा उन्होंने इकट्ठा किया था। आप पूछेंगे तिलक स्वराज फंड कितना था? आज से लगभग 80-90 वर्ष पहले, 80-90 years बिफोर, तिलक स्वराज्य फंड 21 करोड़ रुपीज का था, 51 कोटी रुपए, इतना धन था। आज के हिसाब से अगर आप इसको जोड़ना चाहें तो इसमें 300 का मल्टीप्लिकेशन करना, क्योंकि 1920 का 1 रुपए 1 रुपया 2007 के 300 रुपीज के बराबर, तो 300 में 21 का गुणा कर लीजिए, 6,300 करोड़ रुपीज श्री लोकमान्य तिलक ने इकट्ठा किया इस देश में घूम घूम। और वो फंड जब उन्होंने इकट्ठा किया तो उस फंड से फिर परिणाम क्या किया, उन्होंने क्या काम में लगाया वो फंड? उन्होंने कहा कि भारत में जो जो वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता वो सभी ये पैसे से बनाई गई। मैंने आपसे कहा ब्लेड नहीं बनता था भारत में,
श्री तिलक ने बिलेट बनाने की इंडस्ट्री शुरू कराई पुणे के पास। वो समय में शुगर नहीं बनती थी इस देश में, शुगर बनाने का कारखाना उसी फंड में से लगा। हमारे देश में उस जमाने में आयरन और स्टील के लिए कोई बड़ा प्रोडक्शन यूनिट नहीं था। तिलक ने भारत देश के एक बड़े उद्योगपति जिनका नाम था जमशेदजी टाटा, उनको एक दिन अपने घर बुलाया और कहा कि भारत को स्टील की जरूरत है, आप स्टील बनाना शुरू करिए, हम इंग्लैंड से स्टील नहीं खरीदेंगे। तो टाटा, जमशेदजी टाटा ने श्री लोकमान्य तिलक के एक वाक्य पर पूरा टिस्को खड़ा कर दिया, टाटा स्टील कंपनी वो तिलक ने खड़ी करवाई है इस देश में। बजाज ग्रुप को एक दिन तिलक ने बुलाया, जमनालाल बजाज को, और कहा कि हम इंग्लैंड से कपड़ा आयात करते हैं, भारत में कपड़ा बनना चाहिए, खादी का तो बनता है, वो हाथ का है लेकिन वो मोटा होता है, लोगों को बारीक कपड़ा पहनना है महीन, तो आप उसके लिए मिल लगाइए। तो जमनालाल बजाज ने तिलक के कहने पर पहली मिल लगाई कलकत्ता। डालमिया जी को बुलाया एक दिन और कहा आप कुछ प्रोडक्शन में जाइए, डालमिया जी ने कहा ठीक है हम भी भारत के। ऐसे भारत में 72 जो बिग बिजनेस हाउसेज हैं जो आज इस देश में एस्टेब्लिश हैं, टाटा है, डालमिया है, जमनालाल बजाज का बजाज ग्रुप है, ये सब की स्थापना करने में लोकमान्य तिलक की बहुत बड़ी भूमिका। 1915 में श्री तिलक ने ये सब शुरू किया, 1920 तक वो ये करते रहे और 1 अगस्त 1920 को उनका स्वर्गवास हुआ। मैंने बताया गंभीर बीमारी थी प्लूरिसी की, लंग्स पूरे उनके खराब हो चुके थे, ज्यादा बोलने के कारण गला खराब हो गया था, उस समय उनकी मृत्यु हुई। मृत्यु से थोड़ा दिन पहले उन्होंने अपने सब कार्यकर्ताओं को बुलाया, उनको मालूम हो गया था कि अभी मुझे जाना ही पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि देखो मेरी मृत्यु होगी तो आप में से कोई रोना नहीं और कभी भी मेरे नाम पर आंसू बहाना नहीं, मैंने जिंदगी में कभी अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं की है, तो आप भी मेरे पद चिन्हों पर चलना, आप भी अंग्रेजी गुलामी स्वीकार नहीं करना, आप स्वतंत्र हैं, भगवान आपको आगे भी स्वतंत्र बनाकर रखेगा, मेरे आदर्शों का खून नहीं करना, कोई रोएगा नहीं, मैं मरूंगा खुशी के साथ मुझे विदा करना। और उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य कहा जो पूरे जीवन का सबसे बड़ा सच है। श्री तिलक ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि देखो मृत्यु जो है जन्म से भी ज्यादा आसान है, ये बहुत गहरी बात है। उन्होंने कहा कि जन्म लेने में तो बहुत कष्ट होता है, ताई को भी होता है, मक्कर को भी होता है, लेकिन मृत्यु बहुत सहज है, बहुत आसान है, इसलिए उत्सव की तरह से इसको मनाना। और ये हुआ 1 अगस्त को सुबह जब उनकी अंतिम यात्रा निकली, प्राण उनके पूरे हुए, तो पूरा पुणे शहर, पूरा बंबई, पूरा भारत खड़ा हो गया। ऐसी अंतिम यात्रा इस देश में किसी की नहीं निकली, करोड़ों करोड़ों लोग उसमें शामिल, करोड़ों। और उन लोगों ने श्री तिलक की अंतिम यात्रा को भारत की स्वराज यात्रा बताया कि ये हमारे देश की स्वराज यात्रा है। और उस स्वराज यात्रा में उन्होंने वही संकल्प दोहराए जो श्री तिलक उनको गणपति आंदोलन के समय काम करते थे। ऐसे एक महान व्यक्ति ने इस देश में गणपति की स्थापना कराई, ऐसे एक महान व्यक्ति ने इस देश में स्वराज्य की नींव स्थापित कराई। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि मैंने आपके मंडल में आकर श्री तिलक का फोटो देखा। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं गणपति मंडलों में जाता हूं, गणपति की मूर्ति तो होती है, तिलक की मूर्ति गायब है। और उससे भी ज्यादा दुख मुझे इस बात का होता है कि गणपति मंडल वाले गणपति की स्थापना करते हैं और उसमें ऐसे गंदे गंदे घटिया घटिया गाने बजाते हैं जिनको श्री तिलक ने कभी सुना नहीं, सोचा भी नहीं। हमें शर्म है कि हम लोकमान्य तिलक के उन सभी आदर्शों को पूरा नहीं कर पाए जो गणपति आंदोलन के माध्यम से उन्होंने भारत को समझाए थे। उनका एक बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य था जो उन्होंने अपनी मृत्यु से थोड़े दिन पहले दिया था। जब बंगाल का बंटवारा समाप्त हो गया तो तिलक ने भारत के बहुत सारे कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन बुलाया था और उसमें उन्होंने बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दिए थे। तो एक कार्यकर्ता ने उनसे प्रश्न पूछा कि आपने बंगाल के बंटवारे का विरोध क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने हिंदू और मुस्लिम
बांटा है। धर्म के आधार पर अगर ये बंटवारा भारत में होगा और आगे चलेगा तो ये भारत तो एक नहीं रहने वाला। और दूसरा एक खतरनाक काम हुआ था उसी समय, बंगाल का जो बंटवारा किया अंग्रेजों ने, उसके बाद जब बंगाल बंटवारा समाप्त हो गया, फिर से बंगाल एक करना पड़ा, तभी अंग्रेजों ने इस देश में एक ऐसा विष बीज बो दिया जिसका दुष्परिणाम हम आज तक भोग रहे हैं। वो विष बीज क्या था? अंग्रेजों ने एक संस्था बना दी इस देश में जिसका नाम है इंडियन मुस्लिम लीग। बंगाल का बंटवारा समाप्त करने के समय एक संस्था बना दिया इंडियन मुस्लिम लीग, और यही संस्था का अध्यक्ष बाद में मोहम्मद अली जिन्ना बना। और अंग्रेजों ने उस संस्था को इतना विष भर दिया कि जो बंगाल का बंटवारा उन्होंने हिंदू मुसलमान के आधार पर किया था, उस इंडियन मुस्लिम लीग ने भारत का बंटवारा हिंदू मुसलमान के आधार पर कर दिया। श्री तिलक अक्सर ये कहा करते थे कि अगर अंग्रेज बंगाल का बंटवारा करने में सफल हो गए हिंदू मुसलमान के आधार पर, तो एक दिन भारत का भी ये बंटवारा कर देंगे हिंदू मुसलमान के आधार। ये उनको पता चलता है। 1915 में उनको 1947 दिखाई देता है, इतनी उनकी दूरदृष्टि थी तिलक की। वो ये कहा करते थे कि अगर अंग्रेजों ने यह सफलतापूर्वक चला दिया तो भारत को एक रखना मुश्किल हो जाएगा, ये देश के टुकड़े टुकड़े अंग्रेज कर देंगे हिंदू मुसलमान के आधार। इसलिए उन्होंने बंगाल बंटवारे का विरोध किया। लेकिन श्री तिलक की मृत्यु के बाद इस देश में ऐसा दुष्चक्र चला कि गरम दल के जितने भी बड़े नेता थे, तिलक तो उनके सबसे बड़े लीडर थे, श्री लाला लाजपत राय वो लाठी कांड में मारे गए, आप जानते हैं 1927 में साइमन कमीशन का विरोध करते, भगत सिंह को 1931 में फांसी हो गई, मदन लाल ढींगरा को 1909 में फांसी हो गई, अरविंद घोष जो सबसे बड़े नेता हो सकते थे लोकमान्य तिलक के बाद, क्योंकि लोग उनको बहुत मानते थे, वो संन्यास लेकर पांडिचेरी में चले गए। उन्होंने कहा कि अब मैं संन्यास में रहूंगा और साधु का काम करूंगा। उसके बाद कोई बचा नहीं बड़ा नेता, तो धीरे धीरे सारे गरम दल के नेताओं को अंग्रेजों के पुलिस में 1931 में खत्म हो गए। फिर उसके बाद गांधी जी को एक बार किसी ने कहा कि देखिए लोकमान्य तिलक ने इतना बड़ा काम किया था इस देश में, अब आपको उनका काम आगे बढ़ाना चाहिए। तो गांधी जी ने कहा कि मैं लोकमान्य तिलक का स्वदेशी का काम तो आगे जरूर बढ़ाऊंगा और अंग्रेजी बहिष्कार का काम भी लगातार मैं करूंगा। श्री लोकमान्य तिलक ने कहा था कि सिर्फ अंग्रेजों की वस्तुओं का बहिष्कार नहीं करना है बल्कि अंग्रेजी भाषा का भी बहिष्कार करना। और उन्होंने अंग्रेजी भाषा के जो स्कूल भारत में चलते थे उनके पैरेलल, उनके मुकाबले मराठी भाषा के स्कूल शुरू किए। आपको मालूम है पुणे में एक एजुकेशन सोसाइटी बनी, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, उसके संस्थापक अध्यक्ष लोकमान्य तिलक थे। और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को यह काम दिया गया कि ज्यादा से ज्यादा स्थानों पर मराठी भाषी स्कूल होने चाहिए। कर्नाटक में उनका अभियान आया कि कन्नड़ भाषी स्कूल होने चाहिए, उत्तर भारत में अभियान था हिंदी भाषी स्कूल होने चाहिए। तो भाषा के स्तर पर स्वदेशी, भूषा के स्तर पर स्वदेशी, भोजन के स्तर पर स्वदेशी, वस्तुओं के स्तर पर स्वदेशी, ऐसी पूरी तिलक की कल्पना थी। हर स्तर पर स्वदेशी होना ही चाहिए। और तिलक इतने स्वदेशी के आग्रही थे कि कभी उन्होंने अपने वस्त्रों से समझौता नहीं किया। लंदन भी वो कई बार गए थे उपन्यास देने के लिए, लेकिन लंदन भी वो उसी पोशाक में जाते थे जिस पोशाक में आप उनको अंदर देखते, सिर पर वही पगड़ी, एक उनका झब्बा और धोती, लंदन भी उसी पोशाक में। आप जानते हैं कि लंदन में ठंडी बहुत होती है, दिसंबर जनवरी फरवरी -20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, फिर भी लोकमान्य तिलक धोती और अपना ये अंग वस्त्र में कुर्ता और ये सिर पर टोपी, इसके अलावा कुछ नहीं, बहुत अधिक हुआ तो कंबल लपेटते। तो लंदन में जो भारतवासी रहते थे उनमें से कई लोग उनको कहते थे कि आपको ठंडी नहीं लगती, तो उनका एक ही जवाब होता था कि मेरे शरीर में स्वराज्य की इतनी अग्नि जल रही है कि ठंडी कैसे लगेगी। और जब भी लोकमान्य तिलक को टोकने वाला कोई होता था लंदन में, तो उनमें से सबसे पहले व्यक्ति होते थे श्री विनायक दामोदर सावरकर।
विनायक दामोदर सावरकर उस समय लंदन में ही थे और एक बहुत बड़ा इंडिया हाउस बनाया था। विनायक दामोदर सावरकर के एक सहयोगी थे श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर, इन लोगों ने लंदन में फंड इकट्ठा किया था और वो फंड से एक भवन बनाया था और उसका नाम था इंडिया हाउस। हिंदी में नाम था भारत भवन, लेकिन अंग्रेजों के यहाँ रजिस्ट्रेशन कराने के लिए नाम रखा था इंडिया हाउस। लोकमान्य तिलक जब भी लंदन गए तो वहां ठहरते थे इंडिया हाउस में। कारण क्या था कि भारत के जो भी क्रांतिकारी थे सभी के लिए वो घर के जैसा था, तो वहां पर बहुत सारे क्रांतिकारी रहते थे, अभ्यास करते थे और भारत में आकर क्या क्या काम करना है स्वराज्य के लिए उसकी योजनाएं बनाया करते थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा लोकमान्य तिलक को कई बार कहते थे कि आपको लंदन में ठंड लग जाएगी, हमें आपकी बहुत जरूरत है। तो लोकमान्य तिलक वही उत्तर देते थे कि स्वराज्य की गर्मी इतनी है, ठंड कैसे लगेगी। तो ऐसे व्यक्ति हमारे देश की राजनीति में होते और जितने समय वो रहे इस देश में उन्होंने अद्भुत काम किए। दो बड़े अखबार जीवन भर वो निकालते रहे अपनी मृत्यु तक। एक अखबार का नाम था केसरी, आप सभी जानते हैं वो मराठी में निकलता। केसरी अखबार में ऐसे अग्रलेख वो लिखा करते थे श्री तिलक कि लोग पढ़ें तो उनके अंदर खून जले, ऐसी भाषा उनकी होती। और भारत के पहले अखबारों में उसकी गिनती होती थी केसरी, जो उस समय 53,000 बिकता था, 53,000 उसका कॉपी बिकती थी और एक कॉपी को 10 से 12 लोग पढ़ते। माने हर दिन भारत के 5.25 लाख से ज्यादा 5,30,000 के माध्यम से गणपति उत्सव के माध्यम से सारे देश में एक अभिनव क्रांति जो उन्होंने शुरू की उसी का परिणाम था कि गांधी जी जैसे व्यक्ति को यह मानना पड़ा कि मेरी गलती से मैंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु बनाया था, लेकिन अगर तिलक जीवित हो तो मैं कहना चाहता हूं कि अब मैं आपको अपना गुरु मानता हूं। ये 1930 में गांधी जी ने कहा। आप जानते हैं कि गांधी जी 1914-15 में भारत जब आए तो सबसे पहले वो गोपाल कृष्ण गोखले जी के घर गए थे मुंबई में, और गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में सब लोग कहते थे कि ये अंग्रेजों का एजेंट है, यही शब्द उनके बारे में बोले जाते थे। वो हमेशा इस तरह के काम किया करते थे जिससे अंग्रेजों को सुविधा हो। भारत के क्रांतिकारियों को पकड़वाने में उन्होंने बहुत लोगों को नाम बताए थे, तो अंग्रेजों का एजेंट कहा जाता था। गांधी जी पहली बार उन्हीं के घर गए और गांधी जी ने कहा कि मैं तो आपको अपना राजनीतिक गुरु मानता हूं। 1930 में गांधी जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और 1930 में जब उन्होंने नमक सत्याग्रह किया तो श्री लोकमान्य तिलक के ही कार्यकर्ता गांधी जी के साथ थे नमक सत्याग्रह, जो गणेशोत्सव में से निकले वंद कोटि पथलक्ष कार्यकर्ता गांधी जी के साथ थे, क्योंकि लोकमान्य तिलक ने मृत्यु से पहले अपने सभी कार्यकर्ताओं को कहा था कि मुझे भारत में ज्यादा किसी से उम्मीद नहीं है कि कोई कुछ करेगा देश के लिए, लेकिन ये मोहनदास आदमी जो है ये जरूर कुछ कर सकता है देश के लिए, कभी जरूरत पड़े तो इसको मदद करना, बाकी किसी नेता के बारे में उनको भरोसा नहीं था। गांधी जी को 1930 में रियलाइजेशन हुआ, उन्होंने एक खत लिखा है, वो खत लोकमान्य तिलक जी का जो घर है वहां पर आजकल एक म्यूजियम है, एक स्मारक है, वहां रखा हुआ। और वो खत में गांधी जी यही लिख रहे हैं कि मेरी गलती हुई जो मैंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु बनाया, श्री तिलक कहीं भी हो आज से मैं उनको अपना गुरु मानता हूं। और ये रियलाइजेशन गांधी जी को कब हुआ, गांधी जी जब नमक सत्याग्रह के लिए अहमदाबाद से निकले पदयात्रा करते हुए तो उनके कांग्रेस के जो सबसे भरोसेमंद कार्यकर्ता थे उन्होंने गांधी जी का साथ छोड़ दिया। गांधी जी को जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने गांधी जी का साथ छोड़ दिया। पंडित मोतीलाल नेहरू, उन्होंने गांधी जी का साथ छोड़ दिया। गोपाल कृष्ण गोखले तो तब जीवित नहीं थे लेकिन उनके परिवार के लोगों ने गांधी जी से किनारा कर लिया। और गांधी जी ने जब नमक सत्याग्रह के लिए अहमदाबाद आश्रम छोड़ा तो मात्र 72 कार्यकर्ता उनके साथ थे, ओनली 72। लेकिन वही गांधी जी जब नमक कानून तोड़ने के लिए सूरत के पास पहुंचे तो वंद कोटि पथलक्ष कार्यकर्ता उनके पीछे थे, ये वही लोग थे जो लोकमान्य तिलक ने तैयार किए। और जब इनका समूह देखा गांधी जी ने तब गांधी जी को रियलाइजेशन हुआ।
कि गोपाल कृष्ण गोखले में तो कोई दम नहीं है, जो दम है तो वो तिलक में है। तिलक जी की मृत्यु के 10 साल बाद भी वो संगठन इतना ताकतवर है कि उसमें 1,25,00,000 कार्यकर्ता है। तभी गांधी जी ने यह पत्र लिखा और अपनी गलती को सुधारा। और बाद में यही कार्यकर्ता जो गणेश उत्सव में से निकले, दुर्गा उत्सव में से निकले, स्वदेशी आंदोलन में से निकले, इन्हीं कार्यकर्ताओं की ताकत से गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो का नारा दिया। उनको भरोसा इन्हीं पर था और ये कार्यकर्ताओं ने अंतिम दिन तक गांधी जी का साथ निभाया। भारत छोड़ो आंदोलन का जैसे ही कॉल हुआ, गांधी जी गिरफ्तार हो गए, सारे बड़े नेता गिरफ्तार हुए, तो ये 1,20,00,000 जो कार्यकर्ता थे पूरे देश में, इन्होंने ही पूरा भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। और यही आंदोलन की ताकत थी कि 1945 तक आते आते ब्रिटिश गवर्नमेंट को स्वीकार करना पड़ा कि अब भारत से जाना ही पड़ेगा, अब यहां रह नहीं सकते। और ये कार्यकर्ता कैसे कैसे काम करते थे, ये जो स्वदेशी के अभियान के कार्यकर्ता थे ये ब्रिटिश आर्मी में ज्वाइन हो गए, कार्यकर्ता आर्मी में चले गए, वो ब्रिटिश नेवी में ज्वाइन हो गए और ब्रिटिश नेवी और आर्मी में ज्वाइन होकर अंदर से रिवोल्ट करा दिया। आप जानते हैं 1944-45 में बंबई में ब्रिटिश नेवी में रिवोल्ट हो गया था, बगावत हो गई, और उस रिवोल्ट का दुष्परिणाम था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने तय किया कि अभी भारत में रहना मुश्किल, तो सेना में बगावत करा दी। ऐसे स्वदेशी के पक्के और कट्टर कार्यकर्ता श्री तिलक ने तैयार किए और वही सब लोगों की ताकत से 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद तो हुआ, लेकिन आप जानते हैं खंडित भारत आजाद हुआ। मुस्लिम लीग जो बना दिया अंग्रेजों ने, वही मुस्लिम लीग भारत में ऐसा विश्व रक्ष बन गया कि उन्होंने पाकिस्तान अलग करा ही लिया। मुस्लिम लीग ने जो पाकिस्तान अलग कराया भारत देश से, इसमें अंग्रेजों ने पूरी भूमिका निभाई। और अंग्रेजों का यह था कि मुस्लिम लीग को भारत में इतना बढ़ावा दो कि ये कांग्रेस के हिंदू नेताओं से थोड़ी बड़ी संस्था हो जाए। तो मुस्लिम लीग का सारा फंड अंग्रेजों के यहां से आता। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, मोहम्मद अली जिन्ना जितना भी पैसा खर्च किया वो सब अंग्रेजों ने डोनेशन में दिया। और मोहम्मद अली जिन्ना का एक लेफ्ट हैंड और राइट हैंड मैन माना जाता था सोहरावर्दी करके, वो कलकत्ता का बड़ा नेता था। सोहरावर्दी जितना खर्चा किया वो सब अंग्रेजों ने डोनेशन में दिया। अंग्रेजों का एक अखबार निकलता था इस देश में जो अभी भी निकलता है, उसका नाम था द टाइम्स ऑफ इंडिया। ये अंग्रेजों का अखबार आज भी है। अंग्रेजी एक कंपनी है जिसका नाम है बेनेट एंड कोलमैन, ये उसी कंपनी का अखबार है, तभी से निकलता है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया की ये पॉलिसी थी कि मुस्लिम लीग का नेता छोटी से छोटी सभा का आयोजन करे तो उसको बड़े से बड़ा पोस्टर बनाकर, उसकी बड़ी न्यूज बनाकर टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पर देना। कई बार ऐसी हंसी आती है, मोहम्मद अली जिन्ना को जुकाम हो गया, खांसी हो गई, तो टाइम्स ऑफ इंडिया की फ्रंट पेज की न्यूज होती थी कि मोहम्मद अली जिन्ना कल से बीमार है, वो घर से बाहर नहीं निकला, उसको फ्रंट पेज पे कवरेज होता। और आपको मैं एक आश्चर्य करने वाली बात बताता हूं कि मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग का नेता था, मुसलमानों का नेता वो कभी नहीं बन पाया। मुस्लिम लीग एक संगठन था, उसका नेता था, मुसलमानों ने उसे अपना नेता कभी नहीं माना। आप जानते हैं कारण क्या था? कारण सबसे बड़ा यह था कि मोहम्मद अली जिन्ना रोज हंदी मांस खाता था। हंदी मांस समझते हैं, पोर्क। और मुसलमान उसको अपना नेता मान नहीं सकते जो हंदी मांस खा। दूसरी समस्या थी कि मोहम्मद अली जिन्ना रोज शराब पीता था, मुसलमानों में शराब वर्जित है, हंदी मांस वर्जित है, शराब वर्जित है। और तीसरा, मोहम्मद अली जिन्ना का जो मुख्य धंधा था वो ब्याज पर पैसे उठाने का धंधा था उसका, मुस्लिम धर्म में इसको भी स्वीकार्य नहीं है, इसलिए मुसलमान उसको अपना नेता कभी नहीं मानते। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, एक बार ये जिन्ना लाहौर में मुसलमानों की एक सभा में चला गया तो मुसलमानों ने मंच पर चढ़कर इसका मुंह काला कर दिया और एक गधे पर बिठाकर उसका सर्कस निकाला पूरे लाहौर। उसके बाद हिम्मत नहीं पड़ी लाहौर जाने का, अखबारों में खूब छपा और जिन्ना को पूछा गया कि आपके मुसलमान ही आपको नेता नहीं मानते तो आप हैं किसके नेता? तो धीरे से उसने कहा कि मैं तो अंग्रेजों का नेता हूं, अंग्रेजों का बनाया हुआ नेता। अब आप
जरा सोच सकते हैं, जिसको मुसलमानों ने नेता नहीं माना, उस व्यक्ति की ताकत इतनी कैसे हो गई कि उसने पाकिस्तान बना दिया इस देश को। कभी तो मन में ये विचार आएगा आपके, बहुत दिन में ये सोचता रहा कि जो मुसलमानों का नेता कभी हुआ नहीं, 10 लोगों ने जिंदगी में कभी उसका भाषण सुना नहीं, वो इतना ताकतवर कैसे हुआ कि उसने भारत से एक अलग हिस्सा पाकिस्तान बना दिया। बात ये है और सच्चाई है जो मैं आपको बोलकर जाना चाहता हूं, और ये सच्चाई सुनते समय किसी के दिल को दुखावा हो तो मैं क्षमा मांगता हूं कि ये जो पाकिस्तान बना उसमें मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका इतनी बड़ी नहीं थी, उससे ज्यादा बड़ी भूमिका लेडी माउंटबेटन की थी। एडविना माउंटबेटन का नाम आप जानते हैं, नहीं जानते तो जान लीजिए, वो भारत का अंतिम अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था लुईस माउंटबेटन, उसकी पत्नी थी एडविना माउंटबेटन। ये पाकिस्तान बनाने का सबसे बड़ा कारण वो एडविना थी। आप जानते हैं वो क्या खेल खेला उसने। एडविना माउंटबेटन लंदन के हैरिस कॉलेज में पढ़ती थी जिसमें ये जिन पढ़ाता था, और उसी कॉलेज में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी पढ़ते। हैरिस कॉलेज में तीन लोग पढ़ते थे साथ में एक ही क्लास में, ध्यान देना, जिन्ना, मोहम्मद अली, पंडित जवाहरलाल नेहरू और एडविना। उस समय वो माउंटबेटन नहीं थे, शादी उसकी बाद में हुई, तो एडविना, जिन्ना और नेहरू एक ही क्लास में पढ़ते थे, और रिकॉर्ड्स और दस्तावेज बताते हैं कि एडविना से दोनों लगे हुए थे, ये डॉक्यूमेंट्स बताते हैं। और एडविना इतनी चालाक महिला थी कि दोनों को हैंडल करती थी, इतनी चालाक, एक को सवेरे मॉर्निंग में, दूसरे को शाम, दोनों को हैंडल करती। और जिन्ना और नेहरू का सबसे बड़ा जो झगड़ा होता था वो एडविना को लेकर, ये झगड़ा वहां से शुरू हुआ, हैरिस कॉलेज से। नेहरू जी पढ़ाई करके वापस आ गए, जिन्ना भी पढ़ाई करके वापस आ गया, दोनों ने यहां इस देश में वकालत करने की कोशिश की लेकिन चली नहीं, ना नेहरू जी की वकालत चली ना जिन्ना की वकालत चली। दोनों बैरिस्टर थे, उनको जिंदगी में कभी कोई केस ही नहीं मिला लड़ने के। कारण समझते हैं, कारण बिल्कुल स्पष्ट है कि केस उसको मिलता है जिसके जीतने की संभावना होती है। नेहरू जी के बारे में सब जानते थे कि इसको कोई दम नहीं है, जो जीत पाएगा एक भी केस, तो वकालत चली नहीं, तो नेहरू जी कांग्रेस में ज्वाइन हो गए, उनके पिताजी ने उनको कांग्रेस में डाल दिया। पिताजी का सपना था कि मैं नहीं तो मेरा बेटा कोई ना कोई दिन देश के बड़े पद पर आना। उसके लिए मोतीलाल नेहरू ने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था स्वराज पार्टी, और अंग्रेजों से उन्होंने तालमेल करके इस देश में सरकार बनाने का काम भी किया। और उनका यह कैलकुलेशन था मोतीलाल जी का कि एक ना एक दिन अंग्रेज भारत से जाएंगे, मेरी स्वराज पार्टी और अंग्रेजों के बीच कोई समझौता हो जाए तो सत्ता का हस्तांतरण स्वराज पार्टी को होगा और नेहरू देश का प्रधानमंत्री बने। इस हिसाब से उन्होंने खेल खेला, और उसी खेल में थोड़े दिनों में एडविना भी आ गई। जब अंतिम समय आया, लुईस माउंटबेटन को ब्रिटिश पार्लियामेंट से भेजा गया, तो लुईस माउंटबेटन को भारत भेजने से पहले उसकी शादी एडविना के साथ कराई गई, क्योंकि अंग्रेज खुफिया पुलिस थी, उनको मालूम था कि नेहरू और जिन्ना की वीकनेस क्या है, कमजोरी क्या है। अंग्रेजों की खुफिया पुलिस हर हिंदुस्तानी बड़े नेता पर नजर रखती थी, तो अंग्रेजों की खुफिया पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर एडविना को भेजा गया माउंटबेटन के साथ, और माउंटबेटन को कहा गया कि तुम इसको दिखावे के लिए अपनी पत्नी स्वीकार करो, वैसे ये है नहीं तुम्हारी। तो माउंटबेटन ने कहा ठीक है, मैं मेरे देश के लिए इतना तो कर ही सकता हूं, तो उसको पत्नी के रूप में वो लाया। लेकिन कभी भी लुईस माउंटबेटन ने अपनी डायरी में लिखा है कि उसने एडविना के साथ कभी भी रात में बिस्तर पर शेयर नहीं किया, वो दूसरों को दिखाने के लिए पति पत्नी थे लेकिन असलियत में नहीं थे। और जैसे ही माउंटबेटन यहां आ गया तो एडविना को कहा गया कि अब तुम्हारा खेल खेलो,
तो एडविना ने एक दिन नेहरू को बुलाया और अगले दिन जिन्ना को और कहा कि ठीक है, हम लंदन में जो किया करते थे वो यहां भी हो सकता है। तो नियमित रूप से नेहरू और जिन्ना ने एडविना के यहां जाना शुरू किया, दारू पीना उसके साथ बैठकर, शराब पीना उसके साथ बैठकर। मेरे पास कुछ फोटोग्राफ्स हैं, कभी मैं आपको दिखाऊंगा तो आप दंग रह जाएंगे। नेहरू जी एडविना के साथ बैठकर शराब पी रहे हैं, एडविना के साथ बैठकर सिगरेट पी रहे हैं, एडविना को किस कर रहे हैं, चुंबन ले रहे हैं, उसके साथ डांस कर रहे हैं, ऐसे मेरे पास 7 फोटोग्राफ्स सर्वर। तो ये चलना शुरू हुआ खेल। आप जानते हैं कि चरित्र सबसे कमजोर कड़ी होता है किसी भी पुरुष के लिए। अगर चरित्र से कोई गिरना शुरू हो जाए तो उसकी अंतिम सीमा नहीं होती है, वो कहां तक जाएगा कोई नहीं जानता। हमारे भारत में एक पुरानी कहावत कही जाती है और वो पुरानी कहावत है, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। आपका पैसा चला गया तो चिंता मत करिए, फिर से आ जाए। फिर दूसरी बात कही जाती है, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। आपका स्वास्थ्य चला गया तो थोड़ा कुछ तो गया, लेकिन लास्ट सेंटेंस है, बट इफ करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। चरित्र गया तो सब चला गया, उसके बाद कुछ बचता नहीं। तो नेहरू जी के साथ यही समस्या थी और जिन्ना के साथ भी यही समस्या थी। जिन्ना और नेहरू चरित्र के इतने हल्के आदमी थे कि जानते हुए भी कि वो दोनों एक ही औरत से फंसे हुए हैं, वो आगे बढ़ते गए। एडविना ने दोनों को इस्तेमाल करना शुरू किया। 3 जुलाई 1947 को नेहरू जी एडविना से मिलने गए। रात को उसने फोटोग्राफ लिए, नेहरू जी के बेड में फोटोग्राफ लिए, और वो फोटोग्राफ नेहरू जी के लिए बहुत गंभीर तकलीफ का कारण बन गए। एडविना ने एक दिन वो फोटो दिखाए नेहरू जी को कि देखिए आपके फोटोग्राफ्स मेरे पास है, और वो फोटोग्राफ क्या है जो मैंने आपको बताया, अगर ये रिलीज कर दिया जाए पूरे भारत में तो आपकी क्या हैसियत होगी, और आपको जो सबसे आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति है महात्मा गांधी, उनकी क्या हालत होगी। तो नेहरू जी ने एडविना को पूछा कि आखिर तुम चाहती क्या हो, तो उसने कहा कि एक पेपर है उस पर आप साइन कर दीजिए। तो नेहरू जी ने कहा वो पेपर क्या है, तो उन्होंने कहा पेपर है कि भारत का बंटवारा करना है, हिंदू और मुसलमान के आधार पर करना, आप इसको साइन कर दीजिए। तो नेहरू जी ने कहा कि मेरी कांग्रेस वर्किंग कमेटी से पूछ लेता हूं। तो एडविना ने कहा इतना वक्त नहीं है मेरे पास, आप साइन करते हैं या कल ये फोटोग्राफ टाइम्स ऑफ इंडिया में छपते। नेहरू जी सरेंडर हो गए। रात को 3 बजे 3 जुलाई 1947 रात को 3 बजे उन्होंने भारत पाकिस्तान बंटवारे के पेपर्स पर साइन किया। अगले दिन सवेरे उसने जिन्ना को बुलाया एडविना, और जिन्ना के साथ उसने यही खेल खेला। उन्होंने कहा मिस्टर जिन्ना आपके कुछ फोटोग्राफ्स मेरे पास है, आप चाहें तो मैं उन्हें टाइम्स ऑफ इंडिया में रिलीज करती हूं। तो जिन्ना बौखला गया, जिन्ना को मालूम नहीं था कि वो बहुत शातिर महिला है। हमारे भारत में इतिहास में आपने सुना है विष कन्याएं होती थी, विष कन्याएं, एडविना वही थी विष कन्या। तो जिन्ना परेशान, अपने फोटो देख के परेशान, क्योंकि जिन्ना का फोटो तो नेहरू जी से भी ज्यादा आपत्तिजनक अवस्था में था। अभी वो मैं खोलकर नहीं कहना चाहता क्योंकि कैमरे पर रिकॉर्डिंग हो रही। तो जिन्ना तो और भी परेशान, तो उसने कहा नहीं नहीं ये फोटोग्राफ्स रिलीज मत करिए। तो उन्होंने कहा ठीक है आप फिर पेपर साइन कर दीजिए। तो जिन्ना ने कहा कि मैं तो मुसलमानों का नेता ही नहीं हूं। तो उन्होंने कहा हम बनाएंगे ना, आप चिंता मत करिए, हम बनाएंगे आपको मुसलमानों का, आप पेपर साइन करिए। तो 4 जुलाई को शाम को करीब 3:30 बजे जिन्ना से हस्ताक्षर लिए, 3 जुलाई को सवेरे 3 बजे नेहरू जी से हस्ताक्षर लिए, और वो अगले दिन अखबार में आ गया कि भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बनेंगे, पाकिस्तान मुसलमानों को मिलेगा, भारत हिंदुओं को मिलेगा, और इस तरह से देश का बंटवारा हो गया। इस बंटवारे में अगर आप देखना चाहें कि विलेन कौन है तो आपको बिल्कुल साफ दिखाई देगा। अगर मुझसे कोई पूछे तो पहला विलेन इस बंटवारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा विलेन मोहम्मद अली जिन्ना,
और मैं पंडित नेहरू को पहला विलेन क्यों मानता हूं, मैं आपको एक दूसरी घटना बताता हूं जो इतिहास में अभी दर्ज नहीं है लेकिन डॉक्यूमेंट्स में वो घटना घटित है, डॉक्यूमेंट्स में उसका जिक्र है। वो घटना क्या है? घटना ये है कि भारत पाकिस्तान बंटवारा हो गया जिन्ना के हस्ताक्षर और नेहरू के हस्ताक्षर से। थोड़े दिन के बाद गांधी जी को यह पता चला, गांधी जी को पता चला तो गांधी जी ने अपना सिर पीटा। आप में से कोई शायद ये बात नहीं जानता है, गांधी जी को एक आदत थी और वो आदत ये थी कि वो अपने पर जब गुस्सा करते थे तो अपना सिर पीटते थे, ऐसे करके बहुत तेज मारते, घूसों से मारते थे, अपने को मारते थे। जिस दिन गांधी जी को पता चला कि नेहरू ने बंटवारे के पेपर्स पर हस्ताक्षर किए उस दिन उन्होंने अपने को पीटा और उन्होंने कहा कि अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहता क्योंकि मैंने जिसको आगे बढ़ाया वो इतना कमजोर निकलेगा ये मुझे नहीं माने। परिणाम क्या हुआ? गांधी जी ने जिन्ना को बुलाया और कहा कि भाई तुम ये बंटवारा क्यों कर रहे हो? तो जिन्ना ने कहा बापू मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं लेकिन आप मुझे एक वचन दो तो मैं मेरा एक एफिडेविट लगाने को तैयार हूं और एडविना ने मेरे साथ जो ब्लैकमेलिंग किया है वो सबको बताने को तैयार हूं। गांधी जी ने पूछा क्या? उन्होंने कहा कि मुझे भारत का प्रधानमंत्री बनवा दो। गांधी जी ने कहा बस इतनी ही मांग है तुम्हारी? उन्होंने कहा हाँ, मुझे प्रधानमंत्री बनवा दो, मुझे पाकिस्तान नहीं चाहिए। तो गांधी जी ने कहा ठीक है मैं विचार करूंगा तुम्हारी मांग को। अगले दिन नेहरू को बुलाया और नेहरू से कहा कि देखो जिन्ना तैयार है, वो एफिडेविट देना चाहता है, एडविना ने कुछ ब्लैकमेलिंग किया है, वो पूरे देश को बताना चाहता है, उसकी एक ही शर्त है कि भारत का प्रधानमंत्री उसे होना, बोलो। तो नेहरू जी ने कहा कि बापू जिन्ना को भारत का प्रधानमंत्री तो क्या, मैं मेरे ऑफिस का चपरासी नहीं बना सकता, कारकुन नहीं बना सकता। तो गांधी जी ने कहा तुमको जिन्ना से इतनी दुश्मनी क्यों है? तुम दोनों साथ साथ पढ़े लंदन में हैरिस कॉलेज में, तुमको स्कॉलरशिप मिली, जिन्ना को स्कॉलरशिप मिली, साथ में जिस स्कूल में तुम पढ़े साथ में रहे 15 साल और तुम में दोस्ती इतनी ज्यादा थी, अब ये दुश्मनी इतनी क्यों? तो नेहरू जी ने असलियत नहीं बताई, जिन्ना और नेहरू जी की जो दुश्मनी थी उसका कारण था एडविना और कोई दूसरा कारण नहीं। गांधी जी को बताया नहीं, नेहरू जी ने कहा कि मैं तो प्रधानमंत्री तो क्या चपरासी नहीं बना सकता। तो गांधी जी ने कहा कि फिर क्या होगा, देश का बंटवारा? तो उन्होंने कहा कि ठीक है बंटवारा हो जाए, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं। तो गांधी जी ने कहा कांग्रेस तो तैयार नहीं है इसके लिए, तो उन्होंने कहा ठीक है कांग्रेस थोड़े दिन में तैयार हो जाए। ऐसे करके गांधी जी और नेहरू जी का वार्तालाप पूरा हुआ। फिर गांधी जी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई, 15 उसमें सदस्य थे। उन 15 सदस्यों के सामने गांधी जी ने कहा कि भारत आजाद होगा लेकिन दुख है कि बंटवारे के साथ कौन प्रधानमंत्री बने। तो गांधी जी ने एक फॉर्मूला दिया कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी जिसको अपना अध्यक्ष चुनेगी वो भारत का प्रधानमंत्री होगा। तो वोट डालने का काम किया गया, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में वोट डाला, 15 लोगों ने वोट डाला तो 13 लोगों का वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में गया, 13 लोग। एक वोट पंडित जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में गया और एक व्यक्ति कांग्रेस वर्किंग कमेटी में एब्सेंट हो गया, वो वोट डालने नहीं आए। और जो व्यक्ति एब्सेंट था वो अनुग्रह नारायण सिन्हा नाम के एक व्यक्ति थे, पटना से थे, बिहार से, वो एब्सेंट हो गए। तो एक वोट नेहरू को, 13 वोट पटेल को। गांधी जी के फॉर्मूले के अनुसार पटेल भारत के प्रधानमंत्री बने क्योंकि वर्किंग कमेटी ने अध्यक्ष चुना। जब नेहरू जी को पता चला कि वो इलेक्शन में हार गए तो वो फिर गांधी जी के पास आए और उन्होंने जो वाक्य बोला वो मैं आपको ऐसे का ऐसे ही सुनाता हूं। उन्होंने कहा बापू अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री नहीं बना तो कांग्रेस को तोड़ दूंगा और टूटी हुई कांग्रेस से अंग्रेजों का समझौता होगा और पावर ट्रांसफर मुझे होगी क्योंकि अंग्रेजों ने पहले से यह तय किया हुआ। और ये बात सही है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में यह तय हो गया था कि भारत में कभी सत्ता का हस्तांतरण करना पड़े तो नेहरू के हाथ में ही सत्ता देनी है। क्यों? क्योंकि
क्योंकि विंसन चर्चिल और क्लेमेंट आर एटली जो दो बड़े लीडर थे उस समय इंग्लैंड के, एटली प्राइम मिनिस्टर था, चर्चिल लीडर ऑफ द अपोजिशन था, दोनों का ये मानना था कि ये नेहरू अपना ही आदमी है, शरीर से दिखने में हिंदुस्तानी है, आत्मा इसकी अंग्रेजों वाली है, इसको सत्ता दे दो तो भारत हमारे ही कब्जे में रहेगा, ऐसा मान लिया। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने प्रस्ताव कर दिया था, नेहरू जी को उसकी जानकारी हो गई थी, नेहरू जी ने इस पर गांधी जी को ब्लैकमेल किया और कहा कि मैं अगर सत्ता में नहीं आया तो कांग्रेस को तोड़ूंगा, और अंग्रेजों ने घोषणा की थी कि कांग्रेस अगर टूट भी गई तो नेहरू वाली कांग्रेस को वो पावर ट्रांसफर करके भारत से चले जाएंगे। तब गांधी जी ने सरदार पटेल को बुलाया और कहा कि अब क्या करना है, तो सरदार पटेल ने कहा कि देश का एक बंटवारा और हो ये मुझे मंजूर नहीं है, मैं मेरा वापस लेता हूं, आप नेहरू को प्रधानमंत्री पद की शपथ करवाइए। तो गांधी जी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री पद की शपथ उसको नहीं करा सकता क्योंकि मेरा दिल अब उससे हट गया है, ये जरूर है कि तुम मंत्रिमंडल में आ जाओ, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे रहो ताकि नेहरू के ऊपर कंट्रोल रहे, और मैं तो जाऊंगा नहीं ऐसे किसी समारोह में जहां नेहरू को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। और आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ गांधी जी उसमें नहीं गए, गांधी जी उस समय बंगाल के एक गांव में थे, नोआखाली में, ये गांव अभी बांग्लादेश में चला गया, तो नोआखाली के गांव में गांधी जी थे, करीब करीब दिल्ली से ये 1700 किलोमीटर दूर है नोआखाली, गांधी जी दिल्ली में नहीं थे, ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है, गांधी जी ये कहा करते थे स्वतंत्रता नहीं आई है, आजादी नहीं आई है, सत्ता का हस्तांतरण हुआ है बस, और जो गांधी जी बोलकर नहीं गए और वो उनके कहने में समझ में आता है वो मैं कह देता हूं, गांधी जी ये मानते थे कि गोरे अंग्रेजों की सत्ता किसी काले अंग्रेज के हाथ में आई, इसलिए वो सत्ता के समारोह में शामिल नहीं हुए। और आप फिर जानते हैं इतिहास आपके सामने है, जिन्ना अलग पाकिस्तान का बन गया, ये बन गया, एक घटना बीच में और हुई थी वो भी मैं समझा दूं आपको तो समझ में आएगा नेहरू जी का चरित्र। गांधी जी को एक डॉक्टर मिलने आया एक बार, और ये घटना आजादी मिलने से थोड़े दिन पहले की है, गांधी जी कलकत्ता के पास नोआखाली में थे, एक डॉक्टर आया, वो डॉक्टर ने गांधी जी को परिचय दिया कि मैं मोहम्मद अली जिन्ना का पर्सनल फिजिशियन हूं, एक ईरानी व्यक्ति था वो, नाम मैं भूल गया हूं, रिकॉर्ड्स में है, उसने गांधी जी को कहा कि मैं मोहम्मद अली जिन्ना का पर्सनल फिजिशियन हूं, आपसे अकेले में बात करना चाहता हूं। तो गांधी जी ने कहा क्या बात करना चाहते हो, तो उन्होंने कहा अकेले में सबके सामने में, तो गांधी जी उसको कमरे में लेके गए, अंदर जो बातचीत गांधी जी ने की उन्होंने कहा कि देखो मेरी एक संकल्प है, गांधी जी ने डॉक्टर को कहा कि मेरी बातचीत में कोई तीसरा जरूर रहता है जो उसको नोट करता है, लिखता है, मैंने आपको क्या कहा आपने मुझे क्या कहा, तो उन्होंने कहा वो कौन व्यक्ति है, उन्होंने कहा मेरा सेक्रेटरी प्यारे लाल वो भी यहाँ रहेगा, तो डॉक्टर ने कहा ठीक है उससे मुझे कोई बांधा नहीं माने तकलीफ नहीं आप बुला लो, तो प्यारे लाल जी को बुलाया और गांधी जी ने कहा कि मैं और ये बात करेंगे एक एक शब्द लिखना, प्यारे लाल जी बहुत फास्ट लिखते थे, शॉर्ट हैंड में लिखते थे, बाद में उसका ट्रांसक्रिप्शन करते, तो डॉक्टर ने जो बताया गांधी जी को, गांधी जी परेशान हो गए वो सुन के, उन्होंने कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना का मैं डॉक्टर हूं और ये जिन्ना बहुत जल्दी मरने वाला है। गांधी जी ने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा इसको बोन टीबी है, इसकी रीढ़ की हड्डी पूरी गल चुकी है, इसका नर्वस सिस्टम ज्यादा दिन काम नहीं करेगा। तो गांधी जी ने कहा कितने दिन जिंदा रहेगा, तो डॉक्टर ने कहा हो सकता है 2-3 महीने भी जिंदा ना रहे। तो डॉक्टर को पूछा गांधी जी ने आप क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा मेरी इच्छा है कि आप किसी तरह नेहरू को समझा दो 2-3 महीने ये जिंदा रहेगा, इसको भारत का प्रधानमंत्री बना दो, देश का बंटवारा तो नहीं होगा। तो गांधी जी ने कहा कि तुम्हारी यह बात में अगर सच्चाई है तो मैं जरूर प्रयास करूंगा। फिर उन्होंने नेहरू को बुलाया और कहा देखो नेहरू ये मरने वाला है जिंदा, ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा, इसको बोन टीबी हो गई है, इसका डॉक्टर कहता है कि 2-3 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा, तुम क्यों अड़े हुए हो, इसको प्रधानमंत्री बन जाने दो, 2-3 महीने के बाद तुम बन जाना, देश तो एक रहेगा। तब नेहरू ने फिर वही बात कही कि मैं जिंदा को मेरे ऑफिस का चक्र
चपरासी नहीं बना सकता, प्रधानमंत्री कैसे बनने दी। तो नेहरू की जिद और जिन्ना का ब्लैकमेलिंग, ये दोनों मिलकर भारत का बंटवारा कर गए और इसमें भारत टूटा। भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बने, किसी सिद्धांत के आधार पर नहीं, कोई विचार के आधार पर नहीं, सिर्फ प्रधानमंत्री पद की कुर्सी के कारण। और मैं अभी सब लोगों को यह बोलता हूं कि नेहरू जी तो स्वर्गवासी हो गए 1964 में, लेकिन उनकी आत्मा अब भारत के उन सब नेताओं में प्रवेश कर चुकी है जो कुर्सी के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। वो तो मर गए 27 मई 1964 को। और आप में से शायद कोई जानता है या नहीं, नेहरू जी की मृत्यु बहुत ही दुखद थी। उनको सबसे खराब वो बीमारी हुई थी जिसको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज कहा जाता, STD, आज का एड्स कह सकते हैं, STD उनको था। और उनकी मृत्यु के समय जिस डॉक्टर ने उनको एग्जामिन किया था वो बताता है कि नेहरू जी का शरीर सड़ गया, कीड़े पड़ गए थे, बहुत दुखद मृत्यु थी। नेहरू जी की मृत्यु के समय उनके परिवार की जो महिला उनके साथ में थी उसकी लिखी हुई डायरी में यह है कि नेहरू जी के अंग सड़ गए थे, शरीर के कीड़े पड़ गए थे उसमें, इसलिए वो प्रधानमंत्री पद से छुट्टी लेकर देहरादून गए थे छुट्टी बिताने के लिए, लेकिन वहां से वापस नहीं आए, तो वो तो चले गए, पाकिस्तान बनवा गए इस देश में। जिन्ना का क्या हुआ, भारत पाकिस्तान जैसे ही अलग हुए उसके लगभग 7वें महीने में जिन्ना मर गया। बंटवारा हो गया 14 अगस्त 1947 और इसके ठीक 7वें महीने में जिन्ना मर गया। तो उधर पाकिस्तान जिसने बनाया वो पाकिस्तान का मजा नहीं ले पाया कभी, और पाकिस्तान जिनके लिए बनाया वो पाकिस्तान कभी गए नहीं। आप जानते हैं पाकिस्तान बनाने का जो सबसे बड़ा लॉजिक था वो ये कि भारत में रहने वाले मुसलमान वहां जाएंगे और उनके लिए पाकिस्तान बनेगा, वो यहां से गए नहीं, वो यहां है, शिया हो चाहे सुन्नी हो वो भारत में ही है, वो पाकिस्तान गए नहीं। और जिन्होंने कभी पाकिस्तान मांगा नहीं उनके सिर पर ये पाकिस्तान थोप दिया गया। वो अफगानिस्तान की सीमा पर रहने वाले जो बलूची लोग हैं ना उनके ऊपर जबरदस्ती ये थोप दिया। आज पाकिस्तान क्या है आप जानते हैं, सारा का सारा पाकिस्तान ऐसी समस्याओं से घिरा हुआ है जो उसके जन्म से शुरू हुई, और जन्म से जो समस्या शुरू हुई जिन्ना के द्वारा उसी का दुष्परिणाम है कि आज तक उस देश में कभी लोकतंत्र नहीं रह पाया, प्रजातंत्र नहीं रह पाया, हमेशा किसी सैनिक ने उसका शासन किया। और आज भी आप जानते हैं परवेज मुशर्रफ उन्हीं सैनिकों का रूप है जो जिन्ना के द्वारा पल्लवित और पोषित हुए, लेकिन भारत को एक बड़ा नासूर दे गए, और वो नासूर ये भारत के तीन विलेन, एक जिन्ना, नेहरू और एडविना, ये तीन विलेन को मैं मानता हूं भारत के बंटवारे के लिए जिम्मेदार। इतिहास के सारे डॉक्यूमेंट्स यही बताते हैं। और ये जो सब हो गया कहानी, उस कहानी के बाद की अब कहानी ये है कि पाकिस्तान को चलाने वाले जो सैनिक शासक हुए उन्होंने ये तय कर रखा है कि भारत को एक ना एक दिन वैसे ही तोड़ना है जैसे भारत ने पाकिस्तान को तोड़ा। आप जानते हैं 1971 में भारत के सैनिकों ने बांग्लादेश अलग करा दिया और वो अलग हुआ, उसका दर्द पाकिस्तान को है। तो पाकिस्तान कहता है कि हमारा बांग्लादेश अलग हुआ तो अब हम भारत का जम्मू कश्मीर अलग करेंगे। इसके लिए 71 के बाद से जितने भी पाकिस्तानी शासक हुए सबने आतंकवाद जम्मू कश्मीर में होना चाहिए, अलगाववाद जम्मू कश्मीर में बढ़ना चाहिए, उसके लिए काम किया है, धन भी दिया है और अपने सैनिक भी दिए हैं। और वो आतंकवाद और अलगाववाद जो 72 से चालू है जम्मू कश्मीर में, वो आज इतना बड़ा नासूर है कि भारत के 7000 से ज्यादा सैनिकों की मृत्यु हो चुकी है या शहादत हो चुकी है जम्मू कश्मीर को भारत में बनाए रखे। जम्मू कश्मीर भारत में रहे उसके लिए संविधान हमारे देश में बदल किया गया, एक आर्टिकल डाला गया 370 जो दुनिया के किसी संविधान में आपको नहीं मिलेगा। उस आर्टिकल
आधार पर जम्मू कश्मीर को एक देश का दर्जा दिया गया है। आप जानते हैं भारत का सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला सुनाए, जम्मू कश्मीर में वो लागू नहीं होता। भारत की संसद